गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमने यहीं पे खत्म किया था, आप जाके देख लो। पौंडीचेरी में हम कहाँ रह रहे हैं उसका रूम टूर हमने पूरा डिटेल में कवर किया विद प्राइसेस। आज पता नहीं, आज हम लोग बहुत लेट तो है, बट देखते हैं कुछ छोटा मोटा यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। आज ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, अभी 6:20 हो रहे हैं करीब। तो यहाँ से है ना करीब 400-500 मीटर पे आगे बीच है, ऑटो 400-500 मीटर पे आगे बीच है, तो उस तरफ चलते हैं। आज आजू बाजू में दो चर्चेस भी है एंड वी आर इन द फ्रेंच कॉलोनी, मिडल ऑफ द फ्रेंच कॉलोनी, और देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं बिकॉज रोड्स हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। आगे जैसे हमने गाड़ी पार्क किया ना यहाँ पे, ऐसे ही वहाँ पे पड़ा हुआ है तब से। ये देखो, ये अपने स्ट्रीट में आगे जा रहे हैं और अपने स्ट्रीट का जो नाम है ना, दैट इज रियू कैप्टन मॉरियस जेवियर। ये ना भारती पार्क का एंट्रेंस है, तो ऊपर एक स्टैचू दिख रहा है, आई डोंट नो इट इज, चलो आगे जाके देखते हैं। ये आगे से व्यू, तो अंबेडकर जी का जो स्टैचू था ये है ना, ये साइड में पूरे ऑफिसर्स हैं। ये सब है ना बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, चल चल के है ना। हाँ तो वो रोड में जाना चाहिए था और तुम कौन घुमा के लेके आए। हाँ तुमको बहुत रोड मालूम है पौंडीचेरी का। हम लोग है ना ये जो पार्क देख रहे हो भारती पार्क, भारती पार्क के अंदर से है ना शॉर्टकट मारने वाले थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम तो लोकल्स हैं नहीं, हमको पता नहीं था कि पार्क का गेट बंद हो चुका है। सो इस पौंडीचेरी म्यूजियम है। वाओ पौंडीचेरी म्यूजियम, देखो यहाँ से आपको दिख रहा है 10 AM to 5 PM मंडे एंड पब्लिक हॉलीडेज, तो देखते हैं यहाँ पे कभी ना कभी तो आएंगे। ये जो आप आगे देख रहे हो ना, फाइनली हम पहुँच गए प्रोमेनेड एंड रॉक बीच की तरफ। बीच फूड कोर्ट एंड टॉय शॉप से यहाँ पे कुछ फूड कोर्ट टाइप का भी लग रहा है, और आगे जो देख पा रहे हो जहाँ लोग चल रहे हैं, दैट इज़ अ प्रोमेनेड वॉकिंग एरिया टाइप ऑफ, आप बोल सकते हो। पैदल चलने का फल कैसा था? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है, वो देखो ऊपर भी कुछ चल रहा है, और दिस इज़ द बीच एंटायर आप देख रहे हो वहाँ एंड से लेके इट इज गोइंग टिल देयर। इसमें से चढ़ के, इसमें चढ़ूं? या ये रात को रॉक बीच का पानी देखो कितना ऊपर तक आ रहा है, इट इज रियली लुकिंग गुड। और वो ऊपर इवेंट चल रहा है, रिया और बाबा लोग ऊपर खड़े हैं। एंड पानी तो अलग ही लेवल का है, अच्छा लग रहा है इतना रात को जो हम लोग आए ना यहाँ पे, इट्स वर्थ, इट्स रियली वर्थ इट। ये एक छोटा सा कैफे था बट दे आर राइटिंग दैट वी आर फुल, तो हम यहाँ पे नहीं जा सकते, वी हैव टू लुक फॉर सम प्लेस। Happy New Year! घुमा घुमू के है ना हम लोग ये बिजी स्ट्रीट की तरफ आ गए। दिस स्ट्रीट इज नोन एज बिजी स्ट्रीट। ये हमारे जो स्टेज है ना 3-4 मिनट्स के वॉक में है, यहाँ पे कुछ कैफेज है, रोड साइड स्टोर्स है, देखते हैं कुछ खाने का एक्सप्लोर करते हैं। मेरा चल रहा है HLG। Cheers. तो यहाँ से है ना खाना पार्सल कर लिया, अब देख पा रहे हो ये है हम लोग कैजी स्ट्रीट के पास, तो यहाँ पे कुछ तो बेच रहे हैं JJ फास्ट फूड। यहाँ पे लिकर स्टोर वगैरह भी है इफ यू वांट टू पार्टी अराउंड, और बहुत स्ट्रीट फूड ऑप्शंस है। जैसे यहाँ पे मैं शॉर्मा पे 2 दिन से नज़र बिठाए रखा हूँ। यही हमारा रोड है जाने का, यहाँ से हम लोग राइट पे रहते हैं। अच्छा, यहाँ से थोड़ा ग्रोसरी स्टोर से एग वगैरह लेते हैं लेके फिर चलेंगे। ये 2-व्हीलर जो रेंट पे मिल रहे हैं ना, यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स है, तो बहुत फोटोजेनिक होंगे इसमें फ़ोटो खींचोगे तो। 417 जीपे, ये एग है ना, थोड़ा आराम से दीजिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन, और अभी हम लोग निकल चुके हैं पौंडीचेरी में कुछ स्ट्रीट व्यू के लिए। ये आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं
हम लोग फर्स्ट जा रहे हैं औरविंदो आश्रम, यहाँ से कुछ 4 मिनट दिखा रहा है। कल रात को हम लोग भी ये जगह पे आए थे और आज स्वयं नहीं है। शायद आश्रम का एंट्री है, तो अभी हम आश्रम की तरफ जा रहे हैं। आश्रम के अंदर ना ही फोटोग्राफी अलाउड है ना मोबाइल, तो सब स्विच ऑफ करके यहाँ शू रखिए फिर अंदर जाएंगे। मैं अभी आश्रम के दर्शन कर लिए हैं, एंट्री में भी कुछ नहीं लगा। एंड देन अंदर पे आश्रम में उनकी समाधि है श्री अरविंदो जी की, वो हमने देखा है और आप पीछे देख सकते हो आश्रम का व्यू। एंड अभी हम जा रहे हैं पुडुचेरी म्यूज़ियम, क्योंकि ये आश्रम भी 6 o'clock बंद हो जाता है और पुडुचेरी म्यूज़ियम भी 5:30 बंद हो जाता है। यहाँ से 2 मिनट वॉक है, तो गाड़ी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऑटो में भी आने की जरूरत है, आप पैदल भी आ सकते हो। तो हम लोग आश्रम के एंड बॉर्डरी वॉल से लगते जा रहे रोड है जो कनेक्ट करता है म्यूज़ियम को पुडुचेरी और पांडुचेरी म्यूज़ियम। तो अभी हम लोग ने पुडुचेरी म्यूज़ियम देखा है एंड इट्स वेरी ऑसम। बहुत सेंचुरीज के उस पर आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली। बट वो ये कि हम फोटो शूट और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो इसलिए हमने नहीं कर पाए। और ये म्यूज़ियम बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तो आपको अगर आना है तो थोड़ा डे टाइम पर आइए, क्योंकि 5 बजे से पहले देखना बेटर है, नहीं तो वो सब फ़ैन वैन ऑफ करेंगे तो आपको गर्मी लगेगी म्यूज़ियम के बाहर। सो अभी हमारा म्यूज़ियम का जर्नी तो हो गया है, दो एक म्यूज़ियम हो गया है और अरविंदो आश्रम हो गया है। अभी हम सोच रहे हैं कि फ्रेंच वॉर मेमोरियल जाएंगे और साथ में थोड़ा चाय पी लेंगे, तब तक स्वयं हमें ज्वाइन कर लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमें थोड़ी बैठे हुए हैं, वे आर रेस्टिंग, क्योंकि जो ये म्यूज़ियम है ना, म्यूज़ियम पे स्टेज है, जो स्टेज के ऊपर काफ़ी कुछ फ्रेंच के लाइफ स्टाइल्स, जो फ्रेंच यहाँ रहते थे उनके लाइफ स्टाइल्स के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे कि उनका बेडरूम कैसा था, उनकी डाइनिंग एरिया कैसी थी, उनके वो कैसे लाउंज मतलब फर्नीचर्स यूज़ करते थे, एवरीथिंग। इट्स अ वेरी गुड म्यूज़ियम, आप लोगों को मस्ट विजिट है ये म्यूज़ियम। वी आर गोइंग टूवर्ड्स फ्रेंच वॉर मेमोरियल। हम लोग इतने देर से कंफ्यूज हो रहे थे, बट दिस इज़ फ्रेंच वॉर मेमोरियल जो आप मेरे लेफ्ट साइड पे देख रहे हो। दिस इज़ फ्रेंच वॉर मेमोरियल जो हम लोग देखने आए, इसमें लिखा हुआ है कि दिस इज एवीएस कॉम्बेटेंट्स रेसेंटीज समथिंग, कुछ फ्रेंच में है, बट ये 1914 से 1918 में थे शायद, तो वॉरियर है ये। और उसके आगे इस पर नाम भी लिखे हुए बहुत सारे, हमें जाने भी मिल गए, बट काफ़ी ग्रीन है एंड क्लोज है गेट, तो हमें जा नहीं पा रहे हम लोग, बस यहीं से देख सकते हैं। ब्यूटीफुल रात को यहाँ पे लाइट चलते मैंने देखा था, और सामने है प्रोमिनेंट बीच या फिर वॉक बीच आप देख सकते हैं, वहाँ पर कल रात को भी हम आए थे। और अभी हम लोग जाएंगे लेक कैफे, बहुत अच्छा जगह लग रहा है एक टी स्टॉल और ब्रेक के लिए, तो हम वहाँ जाके बैठेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है ये बीच, और वो भी कैसा लग रहा है। तो वी आर एट लेक कैफे, और छोटा सा अरेंजमेंट किया है इन्होंने, और आइटम में कुछ भी नहीं है। हम लोग ने कॉफ़ी लिया है और साथ में एक वेज पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, क्योंकि स्नैक्स में सिर्फ पिज़्ज़ा और बर्गर ही ऑप्शन था, हमने सोचा समोसा लेंगे बट समोसा है नहीं। सो वी आर टेकिंग पिज़्ज़ा एंड 2 cappuccinos विद 1 tea लेमन टी विदाउट मिल्क, द टोटल कॉस्ट इज अराउंड 404। दिस लुक्स लाइक जॉन ऑफ आर्क पार्क एज पर गूगल, यहाँ पर सब बैठे हुए हैं।
और ये चर्च पे हम लोग कल गए थे, हम देख सकते हैं। आज है 7 तारीख। 7 तारीख और हम यहाँ कब आए थे रिया? 3rd को आए थे हम लोग। 3rd को हम लोग यहाँ पे आए, 3rd इवनिंग को यू कैन से। हाँ, तो 4th से जो भी शूट किया ना आपको दिखाया है, बीच में तो मैं काम कर रहा था, तो रिया तुम क्या क्या विजिट की? अरविंदो आश्रम। हाँ, और पुडुचेरी म्यूजियम। ओके, साथ में रॉक बीच के पास काफी वॉर मेमोरियल्स है, तो हमने उसमें से एक फ्रेंच वॉर मेमोरियल देखा था, और एक परमानेंट पॉइंट है जहाँ पे गांधी जी का एक स्टेच्यू है बहुत बड़ा, वहाँ पे भी लोग सब सेल्फी वेल्फी ले रहे थे, तो वो एक पॉइंट हमने कवर किया। 2-3 चीजें मिस हो गई बट ठीक है। हाँ, और वो जो कवर किया ना वो रिया ने पूरा शूट किया, मैंने शूट किया, तो एडिटिंग तो मैं करने बैठूंगा, तो दोनों को मिला जुला के, इसीलिए मैं रिया से सुनना चाहता था कि उसने क्या क्या देखा। सो नाउ यस्टरडे नाइट है ना, हमने कुछ शूट नहीं किया, तो वी वेंट टू नेहरू स्ट्रीट। तो नेहरू स्ट्रीट है ना, यहाँ पे हर तरह का दुकान मिल जाएगा आपको, इट्स अ वेरी बिग मार्केट, स्टार्टिंग फ्रॉम आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से लेके है ना, कपड़े, सिल्क, देन स्ट्रीट साइड कुर्ती वुर्ती भी मिल रहे थे फॉर फीमेल व्यूअर्स, और जैकेट, जीन्स, वो सब मिल जाता है। बट एक चीज हमको चाहिए था पोंडिचेरी में, मैग्नेट, वो अभी तक हमको नहीं मिला, बिकॉज हम लोग हर जगह जाते हैं ना, तो वहाँ का एक मैग्नेट एटलीस्ट खरीदते हैं। तो वहाँ पे है ना, एक जो मुझे थोड़ा सा यूनिक लगा, वहाँ पे लिखा हुआ था ना कि यूनिक तो नहीं, मतलब 2-व्हीलर पार्किंग में 1 लेन लिखा हुआ था, अचानक से एक पुलिस आया, एकदम वो मतलब अंग्रेजों के जमाने का पुलिस टाइप, व्हाइट ड्रेस एंड सर पे रेड कैप, एंड ताबड़तोड़ चलान मार रहा था हर एक स्कूटी के सीट के ऊपर चलान का स्लिप, एंड साथ में एक वर्मिलॉन या फिर जैसे मैं ये टी शर्ट पहना हूँ इस कलर का या फिर ग्रीन कलर का है ना, वो टैग छोड़ के जा रहा था, भैया तुम्हारा चलान हो गया है। तो अच्छा लगा, एंड ये सिटी में है ना बिल्कुल धूल नहीं है मोस्टली, क्योंकि वो कॉन्क्रीट है, एंड साथ में जो उसके जो कॉर्नर्स है ना, कॉर्नर्स के साइड में उन्होंने अच्छे से ये किया हुआ है, सीमेंटिंग किया हुआ है, दैट्स वाई धूल सिटी में बहुत कम है। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे रुके हैं ना, ऐसा नहीं कि आज हम लोग एकदम चेकआउट करके वेलोर जा रहे हैं, सो वी विल चेकआउट फ्रॉम दिस ऑसम बंगलो। ये देखो ना यहाँ से कितना बढ़िया, ये सामान आप हमारे देख पा रहे हो, इधर भी अपना कुछ कुछ है, और वो है दैट इज जलाकुट्टू और समथिंग। तो विद दिस ना ये देखो रिया क्या कर रही है इसको। तो विद दिस ना वी विल क्लोज दिस ब्लॉग टुडे। इन द नेक्स्ट ब्लॉग आई विल टेक यू टू सम एक्साइटिंग टूरिस्ट स्पॉट्स ऑफ पोंडिचेरी। गोल्डन गुंबज वाला मंदिर तो गए ही नहीं ना, वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। और ये जो स्टे है ना, पहला दिन आके कैसा लगा, क्योंकि इतना पुराना का शायद 100 साल पुराना घर होगा, इट्स अ फ्रेंच ओनर। हाँ, थोड़ा हॉन्टेड फीलिंग आ रहा था, रिया को शायद हॉन्टेड फीलिंग आ रहा था, मेरे को और मम्मी को ऐसा लग रहा था कि अरे ये कैसा मतलब पुराना एक फ्रेंच स्टाइल का सब आर्किटेक्चर है, बट रहते रहते इतना अच्छा लग गया कि अभी मन बैठ गया इस घर पे। तो ये घर पे ना हमने बहुत अच्छा स्पेंड किया 4 दिन, और हमने वर्क फ्रॉम होम भी किया, पार्किंग भी सही था। आपने अगर रिव्यू रूम का नहीं देखा है, देन यू कैन गो टू आवर प्रीवियस ब्लॉग, जहाँ पे हम लोगों ने है ना वेल्लोर से पोंडिचेरी ट्रेवल किया था, वहाँ पे हमने ये घर अच्छे से कवर करके दिखाया है। तो इट कॉस्टेड अस अराउंड 3,500 पर नाइट, और जबकि ये लोकेलिटी में है ना, दिस इज क्लोज टू लाइक वॉकिंग डिस्टेंस टू प्रोमेनेड, तो ये लोकेलिटी में जो होटल्स है लाइक सस्ते से सस्ता होटल भी 2,500 का पर रूम था, तो हमको मिनिमम जैसा भी हो तो 5,000 तो लगने ही थे, तो उस हिसाब से हमको 3,500 में मिल गया। वी गॉट द कम्फर्ट ऑफ वॉशिंग मशीन एंड ऑल, फिर खाना भी। बड़ा यूएसपी इस फ्लैट का ये है कि आप पोंडिचेरी में जो जो टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सब यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो यू डोंट हैव टू ट्रैवल, लाइक स्कूटी भी लेने की जरूरत नहीं, आप पैदल ही घूम सकते हो। एग्जैक्टली। एंड कल रात को हम लोग बहुत मस्त डिनर भी किए, ये अपना कुछ एक कैफे में, कैफे बेलो, तो उसका आपने अगर रील देखा है देन यू नो दैट। चलो देन ये ब्लॉग यहीं क्लोज करते हैं, चैनल पे नए हो तो कीप अ सब्सक्राइब, एक थम्स अप तो बनता है ना, इतना दूर आए आपके लिए, और साथ में आप हमको इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो, तो लाइव स्टोरीज एंड रील्स के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज, क्योंकि अगर आप करेंगे तभी हम अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स और बनाएंगे और अच्छे अच्छे जगह घूमेंगे और आपको बताएंगे। एग्जैक्टली। चलो सी ऑन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय टिल देन फ्रॉम ट्रेवल एडिक्शन, बाय।